The Helka India News. Please like and share and don't forget to subscribe. इंदौर वार्ड क्रमांक 8 के पूर्व पार्षद अनवर दस्तक ने कल रात को जो बारिश हुई थी उसको लेकर जो उनके वार्ड में नालों में छोटे पाइप डाल दिए हैं उन पर एतराज उठाया था, क्योंकि इसका परिणाम कल हल्की सी बारिश में देखने को मिला। गली नंबर 1 जूना सिराला शौकत पहलवान के चौराहे से लेकर अशोक साइकिल सर्विस तक जो नाला जा रहा है वहां के रहवासियों के घर में कल रात पानी भर गया। रहवासी रात भर परेशान हुए। पूर्व पार्षद अनवर दस्तक ने कहा कि नगर निगम जनता के पैसों का सही उपयोग करे, ना कि फिजूल खर्चा करे। इसको लेकर पूर्व पार्षद अनवर दस्तक जी ने अधिकारियों से बात कर नाले के सारे पाइप निकाले हैं और कहा है कि अब इसके आगे की प्लानिंग करेंगे। हाँ सर, बताइए जो आज ये नाले की साफ सफाई जो कल रात को पानी भरा गया था उसको लेके क्या व्यवस्था है? दरअसल क्या है कि ये बड़वाई चूकी से आने वाला नाला है, तो ये यहाँ से लेके अशोक साइकिल तक जाता है। ये नाले की थिकनेस बड़ी कम है, इसमें 3 नंबर जोन से जो है पाइप डलवाए गए थे, जो कि ड्रेनेज के पाइप बोल के डलाए गए थे, जो अवैध तरीके से डले, और उसमें जो है सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि यहाँ पर पानी भर जाता है। हमने 3 नंबर जोन वालों को, ऊपर के अधिकारियों को सबका अवगत करा के साहब इधर जूनियर विद्यालय में पानी भर जाता, लेकिन वो माने नहीं। उन्होंने जबरिया इसमें नाला टेपिंग के नाम पे लाइन डाल दी थी, जो कि आज जगह जगह जो है पानी भरा गया, बस्ती में पानी भरा गया, इस वजह से सुबह से लगे हुए थे। अब ये पाइप सारे निकालने के वापस बात करी गई है कि सारे पाइप निकालना है। तो हमारा कहना यह है कि जनता के पैसों का दुरुपयोग नगर निगम करना बंद करें, और जो जिनाइन है वो जिनाइन काम करें, अपने अपनी राय और अपने तुगलक की फरमान आम जनता पे नहीं थोपे। हमारा आपका परिचय।